भदोही कोतवाली क्षेत्र के कुकुरौठी गांव में गुरुवार को एक युवक के सिर पर कुछ लोगों ने बैट से हमला कर दिया था। इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके इलाज भदोही शहर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, भदोही कोतवाली पुलिस ने युवक के ऊपर जानलेवा हमला करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद भदोही कोतवाली में आवश्यक लिखा पढ़ी करने के बाद दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। बताया जाता है कि गुरुवार को भदोही शहर कोतवाली इलाके के डुडवा कुकुरौठी गांव में एक युवक के सिर पर कुछ लोगों ने बैट से हमला कर दिया था। इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। घायल अवस्था में युवक को भदोही शहर के एक निजी अस्पताल में पहुंचाया गया था, जहां चिकित्सकों ने युवक का उपचार किया है। परिजनों की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए दो आरोपियों को शुक्रवार को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। बता दें कि गिरफ्तार दोनों आरोपियों में भदोही शहर के अहमदपुर फुलवरिया गांव निवासी बसंत लाल सरोज पुत्र स्वर्गीय शिखारी राम सरोज और लोलारक सरोज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भदोही जिले के ज्ञानपुर से निषाद पार्टी और समाजवादी पार्टी के पूर्व बाहुबली विधायक रहे विजय मिश्रा के भतीजे डी के ब्लॉक प्रमुख मनीष मिश्रा को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। युवती से दुष्कर्म मामले में मनीष मिश्रा को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। भदोही कोर्ट में पीड़िता की ओर से दिए गए बयान के आधार पर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने यह निर्णय लिया है। हालांकि बड़ी बात यह है कि कई मुकदमे दर्ज होने के चलते मनीष मिश्रा को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। आपको बता दें कि ज्ञानपुर से लगातार चार बार के बाहुबली विधायक रहे विजय मिश्रा के भतीजे डी के ब्लॉक प्रमुख मनीष मिश्रा पर दुष्कर्म गैंगस्टर सहित आधा दर्जन मुकदमे दर्ज है, जिसके चलते मनीष मिश्रा जेल में बंद है। बताया जाता है कि साल 2021 में प्रयागराज जिले के रहने वाली एक महिला ने मनीष मिश्रा सहित कुछ लोगों पर दलित उत्पीड़न दुष्कर्म सहित कई गंभीर मामलों में मुकदमा दर्ज करवाया था। युवती से दुष्कर्म मामले में मनीष मिश्रा को जमानत मिल गई है। मनीष मिश्रा के जमानत मिलने की खबर लगते हैं उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। मगर बड़ी बात यह है कि जमानत मिलने के बाद भी डी के ब्लॉक प्रमुख मनीष मिश्रा को जेल में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि उनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। भदोही जिले के जीटी रोड पर गुरुवार की रात औराई बाजार में भीषण सड़क हादसा हुआ है। दो बाइकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत में बाइक सवार दोनों हाईवे पर गिर पड़े। इस दौरान पीछे से आ रही एक कार ने दोनों बाइक सवार को कुचल दिया है। इस हादसे में बाइक सवार ग्राम पंचायत अधिकारी सहित दोनों की मौत हो गई है। इस हादसे से मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मृतक के घर मोहल्ले वासियों की भीड़ जुटी हुई है। मृतक के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। यह हादसा गुरुवार की रात औराई बाजार में हुआ है। बताया जाता है कि औराई के खमरिया वार्ड नंबर 7 निवासी 43 वर्षीय वकील अहमद वाराणसी से लौट रहे थे। वह जैसे ही हाईवे पर औराई चौराहे के सर्विस लेन के पास पहुंचे तभी सामने से आ रहे कोयलेरा निवासी 53 वर्षीय मनोज कुमार बिंद की बाइक से टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार दोनों व्यक्ति हाईवे पर गिर पड़े। बाइकों की टक्कर से दोनों बाइक सवार हाईवे पर गिर पड़े। इसी दौरान पीछे से आ रही कार ने हाईवे पर गिरे दोनों बाइक सवारों को कुचल दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची औराई पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचा, जहां चिकित्सकों ने दोनों घायलों को मृत घोषित कर दिया है। इस हादसे से मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 53 वर्षीय मनोज कुमार बिंद निवासी कोयलेरा मिर्जापुर जिले के मझुआ ब्लॉक में सेक्रेटरी के पद पर तैनात थे। इस हादसे में दोनों मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों की तहरीर मिलने के बाद औराई पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।